हेलो जी, एक बार फिर आ गए ज्ञान भैया आपके साथ। ये देखिए जी, आज बनाएंगे कुछ अलग सी, एकदम तीखी खट्टी मीठ, मतलब तीखी खट्टी और बहुत मज़ेदार। आज ये चाट बनाएंगे, चना चाट। चना चाट बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, पहले उबले हुए चने लेने हैं और उसके बाद आपने बारीक कटी हुई है प्याज डाल देनी। प्याज आप चाहे जितना मर्जी डालो, प्याज तो अच्छी लगती है। उसके बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्च, हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। और उसके बाद डालेंगे इसमें ये आलू उबला हुआ, उसको मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जब आप ये बनाओगे ना, तो आपको एक बार बना के खिला दे तो आपको बार बार बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो टेस्टी इतनी बनती है, क्योंकि डिमांड आएगी आपके पास। इसके बाद इन्हें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना, मिर्च डाल देना, और इसके बाद इसमें अब डाल देना थोड़ा सा चाट मसाला, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चाट मसाला डालेंगे, ये देखिए जी, 1 चम्मच भर के चाट मसाला डालना है। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा आधा नींबू, ठीक है जी, उसको निचोड़ देना आपने, पूरा आधा नींबू, ये देखिए। और इतने रस से भरा हुआ ये नींबू आ रहे हैं आजकल। और लेकिन इसके बीज आप पहले निकाल लेना, क्योंकि मेरे नींबू में, मेरे चाट में ये सारे बीज गिर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं इन्हें निकाल लूँगी, टेंशन मत लेना आप लोग। क्या आप बोलो कभी कि मैडम आपने तो सारे नींबू बीज इसी में डाल दें, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये देखिए, सारे मैं ये सारे नींबू के बीज जो होते हैं सारे निकाल के मैं साइड कर दूंगी। और जो पीछे आपको आवाज़ आ रही है दोस्तों, आज श्री राम भगवान की आज यहाँ पे झांकी निकल रही है, क्योंकि एक अच्छी एक भव्य झांकी निकल रही है। उसके बाद कोई पता नहीं कौन था जो बाइक इतनी तेज लेके गया। उसके बाद इसमें अब डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिए को डालने के बाद इसमें करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना, और ये बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। और कुछ नहीं डालना दोस्तों, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और म्यूजिक आप सुनते रहिए, ये देखिए कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है। तो ये बन के तैयार हो गई है हमारी चाट। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका दें, और अपने यार दोस्तों को भी बता दें कि ज्ञान का चैनल है, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा पास से आना पड़ेगा आप लोगों के, ये देखिए। और इसमें टमाटर मैंने डाला नहीं, आपको पसंद है तो आप टमाटर डाल लीजिए, क्योंकि मैंने तो टमाटर डाले नहीं है इसमें। और ये मेरी बन गई है इवनिंग चाट। अब तो मैं तो कर रही हूँ इंजॉय, आप भी ऐसे बना के खाइए। चलो जी, जितना पास से देखेंगे उतना ज़्यादा मुंह में पानी आएगा दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से बन के तैयार हुई है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।